भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए। श्री कृष्ण के जीवन में जुड़ी कई किस्से हैं जो मानव समाज को सीख देते हैं, अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन करते हैं। उनके जन्म दिवस को उत्सव की तरह भक्त हर साल मनाते हैं। बेटमा में जन्माष्टमी पर दो शोभा यात्राएं निकली, वहीं इस अवसर पर कृष्ण मंदिरों में भी आकर्षक साज सज्जा की गई। नगर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह अहिर यादव समाज ने तो रात को गौली यादव समाज ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। बारिश के चलते सुबह अहिर समाज की शोभा यात्रा 2 घंटे देरी से प्रारंभ हुई। मंडी प्रांगण से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में ऊट अश्व बैंड बाजे झांकी आकर्षण का केंद्र थी। डीजे पर भक्ति गीतों पर युवा युवतियां एवं महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आ रही थी। शोभा यात्रा का अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आयोजन का यह 18वां वर्ष था। शोभा यात्रा में नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के समाजजन बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। शोभा यात्रा में युवक अखाड़े का प्रदर्शन कर बनेटी घुमाते हुए भी चल रहे थे। शोभा यात्रा मंडी प्रांगण से शुरू हुई जो नगर के एक निजी गार्डन में महाआरती एवं प्रसाद वितरण के साथ समापन हुआ। वहीं रात को गौली यादव समाज की शोभा यात्रा छोटे बालाजी मंदिर सागर रोड से प्रारंभ हुई जो अम्बेडकर चौराहा इंदौर रोड राजवाड़ा होते हुए गौली मोहल्ले पहुंची। शोभा यात्रा में समाज जन पारंपरिक रूप से डंडे खेलते हुए नजर आए। इस अवसर पर मटकी फोड़ का आयोजन भी किया गया। अंत में गौली मोहल्ले में शोभा यात्रा का समापन महाआरती एवं प्रसाद वितरण के साथ किया गया। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। श्री कृष्णा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। 4 वर्षों से हमारे श्री कृष्ण भगवान ने सभी को संदेश दिया है कि प्रेम से रहे और मिलजुल कर रहे। ऐसा हम भी बोलना चाहते हैं कि सभी प्रेम से रहे और मिलजुल कर रहे और ऐसे मिलजुल कर रहे और साथ में रहे प्रेम से। जय श्री कृष्णा। बड़े हर्ष का विषय है कि इस बार भी हमने ये हमारी यात्रा का शोभा यात्रा का 18वां साल है। 2007 से सतत ये यात्रा का आयोजन होता है। इस बार भी था, थोड़े बारिश में समस्या आई, बाकी फिर भी धूमधाम से भक्तों ने हिस्सा लिया और पूरी यात्रा को सफल बनाया। इस यात्रा में बहुत कुछ मनमोहक प्रस्तुतियाँ थी, जैसे हाथी घोड़े ऊँट बच्चों के किरदार हमारे क्रांतिकारियों के और महानायकों के ऊपर, और एक हमारा विजय भैया फौजी उनकी एक पृथ्वी डिफेंस एकेडमी उनका परिवार पूरा आया था। दूसरे वर्ष उनका यहाँ मनमोहक प्रस्तुतियाँ थी जो समा बांध दिया पूरे नगर में। हमारी यात्रा का मार्ग है हर साल की तरह मंडी प्रांगण से, इस बार हमने मार्ग चेंज किया और बिरयानी गार्डन में हमने समापन किया है। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से
बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया अखिल भारतीय यादव यादव समाज की ओर से। इसमें सभी समाजजनों ने भरपूर तन मन से सहयोग करा और यात्रा को सफल बनाया। मैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में 18 अध्याय से विश्व को प्रकाशित करा, ऐसे ही हमारे जगत गुरु श्री कृष्ण जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।